नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और मैं एक अंग्रेजी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। आप जानते हैं कि बुक कैफे में हर शनिवार अंग्रेजी की पुस्तक पर मैं अपनी राय रखता हूं। यह पुस्तक है मैजेस्टी, एट द प्लेजर ऑफ हिज मैजेस्टी, पूरा नाम है इस पुस्तक का। आई एम लाल एंड द केस दैट शुक द क्राउन। पुस्तक के लेखक हैं चंदर एमलाल। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पुस्तक एट द प्लेजर ऑफ हिज मैजेस्टी, आई एम लाल एंड द केस दैट शुक द क्राउन दरअसल है क्या? यह पुस्तक चंदर एमलाल, जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उनके दादा के बारे में। दादा जो न केवल सिविल सेवा के बड़े अधिकारी थे, बल्कि जिन्होंने अपने मुकदमे से ब्रिटिश क्राउन को उस समय, यानी ब्रिटिश क्राउन जब हम कहते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश सम्राट को और उनकी व्यवस्था को उनका मातहत रहते हुए भी न केवल चुनौती दी जब उनको निलंबित किया गया था, बल्कि वे एक ऐसा कानून बनवाने में सफल रहे जो कानून आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। यानी संविधान की धारा 311, जिसके तहत सिविल सेवा के कर्मचारियों को अगर उन्हें निलंबित किया जाता है या उन्हें अनुशासनहीनता के चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि उन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि उनके खिलाफ अभियोग क्या है। हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने में यह व्यवस्था नहीं थी। और अगर इंदर मोहन लाल, यानी आई एम लाल, उस जमाने में यह मुकदमा नहीं किए होते ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, तो शायद यह कानून आज तक नज़ीर के रूप में देश के बंटवारे के बाद भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मदद नहीं कर रहा होता। इस पुस्तक के लेखक चंदर एमलाल ने इस पुस्तक की शुरुआत बहुत ही अलग ढंग से की है। 2018 में वे जब हरिद्वार में अपने अमेरिका में रह रहे कज़िन के साथ गए थे, अंतिम संस्कार से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने, धार्मिक कर्म को करने, श्राद्ध कर्म और अस्थि विसर्जित करने, उस दौरान वहाँ जो पंडा थे उस पंडे से मिले, और उस पंडे बचपन में वो अपने पिताजी के साथ वहाँ आ चुके थे कई बार। वहाँ उन्होंने उनकी बही निकलवाई और उस बही में उन्हें अपने दादा के बारे में उस पंडा से जानने को मिला। कुछ बातें हुई और बातें में जानते जानते उनको ये पता चला, उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं आखिर यह पता करूं कि आज जो पाकिस्तान में, जहाँ हमारे दादा परदादा पैदा हुए, हमारा रूट क्या था, हमारी जड़ें क्या थी, और किस तरह से हम गेरा से लाल हुए। इंदर मोहन गेरा इनके दादा का नाम था, और मियाँ वाली वह जगह थी पाकिस्तान की जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ वो लोग रहते थे। उसके बाद ये 1800 से 1913 का जो दौर है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वह देखते हैं कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में इनके दादा ने अपनी भूमिका निभाई थी, और 1914 से 1918 तक लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसके बाद जब वह आते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उससे जुड़ते हैं, जो ब्रिटिश भारत का है 1914 से 1922 तक का,
फिर 1923 से 1948 तक वो अपने परिवार के बीच बहुत सहज जीवन जी रहे होते हैं, और उसी दौरान जिसको कहते हैं उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र जो था, वहाँ उनकी नियुक्ति होती है और 1935 से 38 तक का समय काटते हैं, और फिर उसके बाद 38 के बाद वहाँ एक विवाद में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और जब बर्खास्त कर दिया जाता है तो वो अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हैं, और चुनौती देते देते पहले अदालतें जिस क्रम में थी उस क्रम में होते हुए उनका मुकदमा पहुंचता है आखिरी अदालत में, जिसे कहते हैं प्रिवी काउंसिल। तब तक देश को आज़ादी मिलने की व्यवस्था हो चुकी थी, यानी 1947 तक, 1939 से 44 तक ये चलता है। बीच में बंटवारे का दौर है, बंटवारे का एक तरह से कह सकते हैं कि तथ्यों को का अवलोकन करते करते चंद्र मोहन लाल को बंटवारे की विभीषिका का पहला अकाउंट, जो डायरी है, जो तथ्य तलाश रहे होते हैं वह अपने दादा को खोजते हुए, वह सब कुछ भी इसमें दर्ज। और फिर 1947 में जब वो प्रिवी काउंसिल में अपील करते हैं और मुकदमा जीतते हैं, तो किस तरह से उनकी अपनी भूमिका बड़ी हो जाती है। और फिर जब देश आज़ाद होता है उस दौरान आईएम लाल चीफ क्लेम कमिश्नर के रूप में दिल्ली के न केवल विस्थापितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं, बल्कि दिल्ली के विकास और दिल्ली में जो विस्थापित लोग जो उजड़ के आए हैं उनकी स्थापन, विस्थापन, प्रवासन में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इस तरह से उनका मुकदमा और उनका जीवन आने वाले समय के लिए और न केवल एक मिसाल बनता है, बल्कि यह बताता है कि अगर आपके अंदर जीवट हो, अपने काम की जानकारी हो, आपके अंदर करुणा हो, आपके अंदर संघर्ष हो, तो आप जीवन में किसी को भी हरा सकते हैं, यहाँ तक कि उस साम्राज्य को भी हरा सकते हैं जिस साम्राज्य की कृपा के चलते या जिस साम्राज्य के प्रशासन का हिस्सा बनकर आप काम कर रहे थे, लेकिन चूँकि आप न्याय के पथ पर थे इसलिए आप जीतते हैं। यह पुस्तक न केवल कानून के जानकारों के लिए, कानून के शोधार्थियों के लिए, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में रुचि रखने वाले और भारत के विभाजन के साथ साथ दिल्ली के बनने, उस दौर को समझने, प्रशासनिक प्रक्रिया को समझने, विधायी प्रक्रिया को समझने, बहसों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका फॉरवर्ड जो है पी चिदंबरम ने लिखा है, देश के कई जाने माने बड़े जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस पुस्तक पर अपनी राय दी है। इस पुस्तक में ढेर सारे ऐतिहासिक चित्र हैं, और चंद्र एम लाल को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने न केवल अपने दादा के बहाने एक ऐतिहासिक फैसले और ऐतिहासिक मुकदमे को तथ्यात्मक रूप से यहाँ रखा है, बल्कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी इस बात के लिए जिज्ञासु बना दिया है कि आज जो वह विशेषाधिकार बतौर प्रशासनिक अधिकारी जो उनके अधिकार हैं, जो जिसको वह अपने जीवन में उतारते हैं, और कई बार जब सरकार से मतभेद होता है और फंस जाते हैं तो जो कानून उनकी रक्षा करता है उसके पीछे कौन व्यक्ति है। रूपा पब्लिकेशंस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, मूल्य इसका 295 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 150। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अंग्रेजी पुस्तकों के बारे में अगर मेरी राय जानना चाहते हो तो हर शनिवार को इस कार्यक्रम को देखें, हर शुक्रवार को मैं किसी न किसी कविता संग्रह के साथ उपस्थित होता हूँ, सोमवार से बृहस्पतिवार तक विविध विधाओं की पुस्तकों के बारे में अपनी राय रखता हूँ, हर रविवार को आपकी किसी प्रिय रचनाकार के साथ शब्दरथी कार्यक्रम में और बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मिलता हूँ। कई बार बातें मुलाकातें और शब्दरथी कार्यक्रम में हमारे पास हमारे प्रिय लेखकों और अतिथियों की के आग्रह के चलते यह कार्यक्रम सप्ताह में दो बार भी प्रस्तुत होता है,
तो बुक कैफे को देखते रहें, अपने प्रिय रचनाकारों के विचारों को, उनके जीवन कर्म को जानते रहें, अच्छी पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।